भाई मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया भाई साहब। आज मैं हूं अमृतसर में, पंजाब में, और आपको दिखाने वाला हूं यहां पे बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीट फूड, नेक्स्ट लेवल का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से शहर से देख रहे हो, ताकि मैं आपके शहर आ पाऊं। और भाई साहब आज का फन शुरू करते हैं। हम यहां पे आए जी तिलक राज शर्मा जी के पास, जो कि ये बहुत ही बढ़िया पेपर पूड़ी बेचते हैं। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया अंकल जी। अंकल जी आप कहाँ पे बैठते हैं ये बताइए। है जी बिजली वाला चौक, हॉल बाजार में बिजली वाला चौक पे अंकल जी बैठते हैं। और ये आइटम जो है, ये जो पूड़ियाँ हैं अंकल जी बेचते हैं, अंकल जी इसको पेपर पूड़ी भी बोलते हैं ना? है जी तवे वाली पूड़ी, तो इसको तवे वाली पूड़ी बोलते हैं जी। और अंकल जी ये आटे की बनती है मैदे की? मैदे की पूड़ी बनती है जी ये, और बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको। अंकल जी एक बार छोले दिखा दीजिए। ये देखो भाई, ये है ज़बरदस्त छोले मसाले वाले। और अंकल जी जो है यहाँ पे हॉल बाज़ार में बैठते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त छोले रहते हैं अंकल जी के, एंड इसकी वजह से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अंकल जी के पास। और एक दो सिगड़ियाँ रखी हुई हैं, एक छोलों को गर्म करने के लिए और एक सिगड़ी रखी हुई है जी पूड़ियों को गर्म करने के लिए। अंकल जी आप वैसे कहाँ से हैं? हाँ जी चिंतपुर्णी से। वाह, तो अंकल जी हिमाचल प्रदेश में चिंतपुर्णी से हैं, और चिंतपुर्णी माता जी के एक तरह से कह सकते हैं बच्चे हैं ना अंकल जी, वहीं से हैं आप। तो अमृतसर कब आए थे? 1962 या 1963 में अंकल जी आए थे जी अमृतसर। और अंकल जी एक बार छोले प्लीज़ आप थोड़ा दिखा दीजिए, छोले की जो अच्छे से एक बार हाथ चला के दिखा दीजिए प्लीज़। अंकल जी ये कितने की प्लेट रहती है? 25 रुपये की दो पूड़ियाँ। 25 रुपये में आपको दो पूड़ियाँ मिल जाएंगी। एंड जो टाइमिंग्स है अंकल जी, आप कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो यहाँ पे? 5 से 9 शाम के। तो शाम के 5 से 9 बजे तक अंकल जी बैठते हैं। अंकल जी आप एक प्लेट लगा दीजिए प्लीज़। तो ये देखो अंकल जी ने ना पूड़ियाँ जो है, इसको पेपर पूड़ी बोलते हैं अमृतसर में, एंड पेपर पूड़ी या तवे वाली पूड़ी कह के ये चीज़ बिकती है। और भाई साहब 25 रुपये में आपको दो पूड़ियाँ मिल जाएंगी, और साथ में मिलेगी चटनी एंड छोले एंड प्याज। ये देखो अच्छे से सेक लिए जाएंगी ये। अंकल जी आपने यहाँ आके काम सीखा ये वाला या हिमाचल से? यहाँ आके। तो यहाँ पे आके अंकल जी ने ये काम सीखा और पूड़ियाँ बनानी शुरू करी, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अमृतसर के। अपने जितने भी परिवार वाले हैं जो हमारे साथ फेसबुक से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत लोगों ने बोला कि आप अंकल जी के पास ज़रूर जाके आना। ये देखो जी छोले, और ये आ गया प्याज, और ये ऊपर से आ गई जी चटनी। अंकल जी बोल रहे हैं कि अंकल जी की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं तो अंकल जी कहते हैं कोई बात नहीं आप बना लो। अंकल जी वैसे मतलब तबीयत ठीक है ना? ये है जी पूड़ी की एक प्लेट, और भाई ये 25 रुपये की पूड़ी है। अंकल जी को एक पीस भी ले सकते हैं? दो ही लेते हैं, दो ही लेते हैं। ये पीछे देख लो भाई, ये दुकान है पाल जी पंजाबी जुट्टी, और एकदम नीचे अंकल जी यहाँ पे बैठे हैं। और ये है जी इधर ये मार्केट है, और ये अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? ठीक है। थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। हाँ। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार चांद न्यूट्री कुल्चे वाले। राजकुमार चांद न्यूट्री कुल्चे वाले। और भाई साहब आपने जो है अमृतसर के लोगों को दीवाना कर रखा है मैंने सुना। 30 साल हो गए न्यूट्री। वाह वाह वाह, 30 साल से न्यूट्री बेच रहे? पालक वाली न्यूट्री जी, पालक वाली न्यूट्री 30 साल से। क्या बात है, आप कहाँ से हैं वैसे? अमृतसर से? अमृतसर से हैं, पंजाब से। और न्यूट्री कुल्चा मतलब बेचने का ख्याल कैसे आया है दिमाग में? पहले से आया, पहले और काम करते थे, ये काम किया है। अच्छा पहले क्या करते थे सर? फल फ्रूट का काम करते थे। हैं जी? फल का काम करते थे, फल का फ्रूट्स बेचते थे। क्या बात है, तो फ्रूट्स बेचते बेचते आपने न्यूट्री कुल्चा बनाना शुरू किया। और सर सीखा किससे? ये आप सीखा जाती जी, खुद ही एक्सपेरिमेंट किया। बहुत बड़े सर, ये दिखाइए क्या है यहाँ पे? न्यूट्री है। ये है भाई साहब अंदर न्यूट्री, ये चेक करो यार एक बार सर, इसमें करछी चला के दिखा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं सर? ये न्यूट्री है। ये नहीं नहीं, ये जो बर्तन ड्रम्मी है बड़े वाली, ड्रम्मी से जो आप निकाल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ये ड्रम्मी है, न्यूट्री निकाल रहे हैं ड्रम्मी के अंदर से न्यूट्री निकाल रहे हैं जी। कॉमेंट करके बताओ ये किससे निकाल रहे हैं, अंकल ने भी नहीं बताया और मैं भी अभी जान नहीं पाया। से निकाल रहे हैं जी। ये डोनी है। डोनी? हाँ। अमृतसर में इसको डोनी बोलते हैं जी। ये देखो कितनी बड़ी डोनी है इसके, इसका यूज करके न्यूट्री निकालते हैं अंदर से। और भाई क्या जबरदस्त है। इधर है जी पालक की सब्जी,
और सारा रोगन, सारा पैसा इसी में है भाई, सारा मजा इसी में है। देखो एकदम की सब्जी है, पका पका के पालक को एकदम डार्क कलर में कर दिया है। और हम, मुझे लग रहा है गलत एंगल से आ गए सर, आपको उधर से दिखाते हैं। ये देखो इधर से, सबसे पहले तो ये देखो, ये है जी न्यूट्री की सब्जी और इसमें अभी तड़का लगेगा। ये सर पनीर डाल रहे हैं? हाँ जी। ओ वाह 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 वाह, पनीर वाली न्यूट्री है भाई यहाँ पे। सर कितने की प्लेट है? प्लेट 40 रुपए की है सादी, पनीर वाली 50 रुपए की है। 40 रुपए की सादी और 50 रुपए में पनीर वाली? हाँ पनीर वाली है। और ये देसी घी में? हाँ जी। क्या बात है सर, मैं कहीं पहुँची नहीं जाते? नहीं जी नहीं। क्या आप नहीं पहुँचे? बहुत बढ़िया यार, ये देखो ये सब्जी डाली और थोड़ी सी पालक डाली और ये पड़ा है जी देसी घी। आपको इस तरफ से दिखाते, देसी घी न्यूट्री कुलचे, दो कुलचे 40 रुपए। और नीचे है रेट लिखा हुआ सब कुछ जी। अच्छा रेट इधर लिखा है? ये है जी रेट्स, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और अंकल जी अब मैं आपके तवे के ऊपर आ गया हूँ, तो मुझे मतलब तवे के ऊपर नहीं, मतलब तवे के साथ आ गया हूँ, तो दिखाइए इसको तड़का वगैरह कैसे लगाते हैं आप। ये देखो जी, इसमें वो भी डालते हैं गाजर वगैरह? नहीं जी नहीं, अपन बंदे। अच्छा ऐसे ही रहते हैं जी, तो इसको नॉर्मली ऐसे ही सर्व किया जाता है जी, कोई गाजर शिमला मिर्च वो सब चीज़ें नहीं डालते। ये 30 साल पुरानी रेसिपी है अंकल जी की, और भाई क्या जबरदस्त लग रही है। अंकल जी प्लेट बना के दिखा दीजिए, ये देखो भाई ये संगल देखो, ये आ रहा है जी प्याज तवे के ऊपर, एंड ये आ गई थोड़ी सी हरी मिर्ची, क्योंकि हरा इज़ माई फेवरेट कलर, आपको पता है तो कॉमेंट करके बताओ क्यों। एंड ये देखो भाई, इसको अब प्याज और हरी मिर्ची को थोड़ा सा टकाटक कर लिया जाएगा। अंकल जी मैं आपके लेफ्ट तरफ आता हूँ, दाई तरफ आता हूँ कि बाई तरफ? बाई तरफ इधर ही आएगा। ये लो जी देसी जय रोगन, रोगन होता है। वाह, ये मिर्ची मुर्ची नहीं है, लाल वाली जो है। अच्छा, तो देसी लाल मिर्ची का कोई काम नहीं है, मसालों का काम है? हाँ जी, तो सारा मसालों का काम है सारा ही जी, सारा काम मसालों का है जी, और सारे जो सारा जो स्वाद है वो देसी घी का है। और भाई ये पनीर प्याज और हरी मिर्ची डाल के, और ये ऊपर से भाई देसी घी। वाह अंकल जी, सिर्फ न्यूट्री कुलचा बेचते हैं और भी कुछ होता है? न्यूट्री कुलचा ही होता है हमारे, सिर्फ न्यूट्री कुलचा बेचते हैं जी, और इसी में माहिर हैं भाई। और आपको एक प्लेट लगवा के दिखाते हैं, सुबह का एक तो लगा है, शाम में 8 बजे देखकर मिलता है, सुबह 1 से लेके 8 बजे देखकर। अंकल जी किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन क्या है? शक्ति नगर चौक लोरी गेट के अंदर, शक्ति गेट चौक लोरी गेट के अंदर, शक्ति नगर चौक जी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ठीक है जी, पंजाब नेशनल PNB। हाँ जी, वही नीरव मोदी जी वाला। बस बस ठीक है जी। ये देखो पहले तो मसाला लगेगा कुलचों के ऊपर, और ये कुलचे अमृतसरी आपको सिर्फ अमृतसर में मिलेंगे भाई, कमेरी कुलचे, क्योंकि ये सिर्फ 12 गेट। ये आ गया जी प्याज, ये आ गई चटनी, ये आ गई जी चटनी ऊपर से, ये कुलचे आ गए, ये आ गए जी कुलचे। अंकल जी ये 50 रुपए वाली बात 150 की तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं, पक्की बात है। पीछे पनीर वाले, पीछे आपके दोस्त बोल रहे हैं देखो, 50 रुपए की पनीर वाले। ये आ गई जी न्यूट्री की सब्जी, और भाई ऊपर से आ गई पालक, आ गया घी, आ गया और घी। भाई साहब अमृतसर में देसी घी की कोई कमी नहीं है। तो ये प्लेट है जी 50 रुपए वाली, अगर आप पनीर के बिना लेते हो तो 40 रुपए में। और ये अंकल जी को पहचान लो, अंकल जी 50 रुपए में प्लेट देते हैं, और अंकल जी 150 की तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, 50 रुपए की ये पनीर वाली। वाह, किसी और शहर में हो ना, दिल्ली में, तो यही प्लेट 150 रुपए में जिला खाएगा, एक बार दोबारा आएगा। वाह भाई साहब, ये देखो ये है जी पालक वाली न्यूट्री, और इसके ऊपर देखो भाई साहब इतना लोड करके रोगन और देसी घी, और ऊपर से और रोगन, ऊपर से और देसी घी। भाई इतना ज़्यादा रोगन और देसी घी डाल के मुझे नहीं पता कि अमृतसर वाले भाई मेरे कैसे हजम करते हैं इसको। पर यार देखो, आपके लिए, आप सबके लिए और आपके प्यार के लिए भाई, मैं तो ऐसे 50 प्लेट्स खा जाऊँगा, थोड़ा भूखड़ भी हूँ ना आपको पता है। तो ये आ गई जी न्यूट्री, और ये है जी कुलचा, और कुलचे के ऊपर लगा हुआ है मसाला, यहाँ से बनाते हैं जी एक बढ़िया सी बाइट। ठीक है, ये आ गए जी बाइट। और अक्षय पाजी ये न्यूट्री जो है ना, एक चम्मच से इसके ऊपर डालो। हाँ 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 भाई, ये देखो मज़े, डालो जी डालो। वाह, ये आ गई जी न्यूट्री कुलचा की एक बाइट, शिव बाइट। भाई साहब अमृतसर वालों को ना स्वाद की जो जानकारी है, इन्होंने जिस किताब में से पढ़ा है शायद हमारे तक वो किताब ही नहीं पहुंची है। मतलब जो स्वाद अमृतसर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, वो यहाँ से जैसे ही आप 10 किलोमीटर बाहर निकलोगे, ओवर, फिनिश, खत्म।
बहुत नेक्स्ट लेवल का स्वाद है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है। अगर आप अमृतसर आते हो तो भाई साहब ये स्टॉल पहचान लो, 50 रुपए में पनीर वाली न्यूट्री कुलचा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाजी आपको कटोरी उठानी पड़ेगी, एक मिनट अक्षय भाजी हेल्प करते हुए मेरी। ये देखो ये करारी पूड़ियां है एकदम, ये मतलब एकदम करारी हो चुके तवे के ऊपर। एंड श्योर भाजी देखना छोले, छोले गिरने वाले, छोले गिरने वाले। ये यहाँ पे ना एक्चुअली जब आप आते हो तो आपको खाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक ही हाथ में पकड़ के खानी पड़ेगी। ये है जी एक बाइट, श्योर इस बाइट ऑफ द तवे वाली पेपर पूड़ी, जो कि सिर्फ हॉल बाजार अमृतसर में मिलती है और इसी दुकान पे, जो हमारी रिकमेंडेशन है अगर आप ट्राई करते तो इसी दुकान से ट्राई करना, बिजली चौक हॉल बाजार। हिज बाइट भाई, वो जो छोलों की खटास है ना इतनी जबरदस्त है, इतनी बढ़िया है, ये कुछ नेक्स्ट लेवल के छोले हैं। पहले ही कहते थे कि हिमाचल के लोग जो है ना अमृतसर में जो आके बसे थे, उन्होंने जो छोले बनाने यहाँ पे शुरू किए थे नेक्स्ट लेवल के होते थे, तो ये हिमाचली हाथों से बने हुए छोले हैं। तिलकराज शर्मा जी अपने हाथों से छोले बनाते हैं, अपने कस्टमर परिवार को बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आओ जरूर ट्राई करना। अगर आप ऑलरेडी खा चुके हो तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे, अगर आपने नहीं खाए हैं तो ये बताओ कि कब आ रहे हो, कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद साड़ा पंजाब, नाले साड़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो अमृतसर की एक बहुत जबरदस्त वीडियो, जो कि मैंने बस अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है, तो भाई साहब ये देखो।